Hello my dear students, now welcome back once again on my classes. This is A.K. Gupta, your English faculty, RCS School, Oxford. So my dear students, 6th class students, listen carefully. In last video we have done M1, means modal chapter number 1, that was is to M2 R2. I hope you got it this and you have done your exercise also. Now this is second chapter, this is called was to and were to. So what is the was to and was to? This is also modal. Okay, next. Rule first is here. Natha, Niti, Nete, Adi. An action was necessary to do in the past. Okay, I hope you got it. कहने का मतलब क्या है, कोई काम हमारे पास ऐसा है जो कि मुझे पास्ट में करना था, चाहे मैंने किया है या नहीं किया, या हो सकता मैंने कर दिया हो लेकिन मुझे बताना है कि जैसे भाई मुझे होमवर्क करना था, मुझे तुमसे कल मिलना था, ठीक है, उसे कल खाना बनाना था, इसका मतलब नहीं बनाया तो भाई उसे तक मैंने खाना बनाया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कल मुझे स्कूल जाना था लेकिन मैं नहीं गया, मेरी मम्मी को सबके लिए खाना बनाना था, ठीक है, या फिर हमें कल घूमने जाना था। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं जो हम ये मानते हैं कि भाई को हमें पास्ट में करना था, जरूरी तो था बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन वो हुआ नहीं या हो भी चुका हो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो काम हमें पास्ट में कंपलसरी करना था, जरूरी थी, नेसेसरी था, वो करना था। रूल सेकंड, व्हाट इज द रूल सेकंड हियर, सब्जेक्ट देन यू विल ऐड हियर वाज टू, वर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन हियर लेसन नंबर M2 व्हाट इज टेलिंग दिस, आई यू दे वी विल यूज्ड विद द वर्ड एंड ही शी इट नेम विल एंड हु आल्सो विल बी यूज्ड विद वाज टू एंड देयर आर I have written all these things on board and I hope you have written this. Okay, so before making before proceeding or making anything, I would like to tell you one thing. Firstly, you try to understand this sentence, how can you make and how can you translate. Okay, let's see some examples for getting better understanding now. Okay, suppose I am to say an example here. मुझे कल या जरूरी नहीं है कि आप कल मेंशन करो, इट्स नॉट कंपलसरी दैट यू आर टू यूज यस्टरडे और यू आर टू मेंशन यस्टरडे, जैसे आई वाज टू गो टू दिल्ली, मींस व्हाट इज दिस, इफ आई हैव रिटन आई वाज टू गो टू दिल्ली, इट्स मीन आई मीन डेफिनेटली मुझे दिल्ली जाना था, और ये हो सकता है कि मुझे कोई काम हो तभी मुझे जाना था दिल्ली, पर सच भी था पास्ट में लेकिन हो सकता मैं नहीं गया। Who was not to study in the class? Okay. Why were you to tell a lie? The question mark, okay? She was not to me. So, I think you are watching this, and the first example is I was to go to Delhi, means I was to go to Delhi. Who was not to study in the class? Okay, and why were you to tell a lie? She was not to make tea. बस समझा रहे हैं ना? हिंदी देखें तो मतलब मुझे दिल्ली जाना था, किसको नहीं पढ़ना था क्लास में, है ना, और ये पे वाई वर यू, यानी कि तुम्हें क्यों झूठ बोलना था, ठीक है, शी वाज नॉट टू मेक टी, उसे चाय नहीं बनानी थी, यानी कि पास्ट तो है लेकिन वहां पर कोई नेसेसरी कंपलसरी वर्क है जो कि पास्ट में था, उसके लिए वाज टू वर्ड टू यूज किया जाता है, ठीक है, एंड लेट्स सी सम एक्सरसाइज आई विल सेंड टू यू एंड दैट यू आर टू कंप्लीट, ओके, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।